अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML को लिखते हैं, इसको कुछ बेसिक टैग्स, जिनको सीखने के बाद हम अपना HTML पेज बना सकेंगे। जो भी टैग हमने स्टार्ट करना है उसका क्लोजिंग टैग भी ज़रूर लगाना है। कुछ है टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग्स नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फ़िलहाल हम इस लेक्चर में बेसिक टैग्स कवर करेंगे। HTML का टैग स्टार्ट करते हैं। हमने HTML का टैग लगाया और इसका क्लोजिंग टैग भी लगाना है। हैश के साइन के बाद HTML लिखेंगे। जी हाँ, जो भी हम टैग स्टार्ट करेंगे उसको इस टैग बंद करने के लिए हैश के बाद वही टैग का नेम लिखेंगे तो टैग बंद हो जाएगा। लिखने के बाद वो टैग बंद हो जाएगा। उसके बाद हम अब ये फाइल सेव करते हैं। फाइल के ऑप्शन पर जाके सेव कंट्रोल प्लस एस के साथ भी सेव कर सकते हैं आप। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस फाइल को सेव करते हैं। मैंने पहले फाइल सेव की हुई थी, index.html। जो भी फाइल आपने सेव करनी है HTML की, उसका साथ .html ज़रूर लगानी है, उसके एक्सटेंशन। अदरवाइज़ वो जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो रन नहीं होगी क्रोम के ऊपर, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर। .html लगा के हम सेव करते हैं। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका ये मतलब कि फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे हेड टैग, जिसके अंदर हम मेटा टैग्स, टाइटल, अपने वेब पेज का जो हम पेज बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल इसके अंदर देंगे। जो दूसरे सात पेज बनाएंगे CSS का, JavaScript का, PHP का, उसको लिंक का जो करना है तो वो हमने हेड के अंदर करना है सारा। पहले हम इसके अंदर टाइटल लिखते हैं अपने वेब पेज का। टाइटल का टैग आपने यूज़ करना है, जो टैग भी लगाना है उसको क्लोज भी करना है। हेड टैग हमने यूज़ किया, उसको नीचे क्लोज भी किया साथ स्लैश लगा के। टाइटल टैग लिखेंगे। टाइटल टैग लिखने के बाद हम इसके अंदर अपने वेब पेज का टाइटल देंगे कि क्या नेम रखना चाहते हैं। अपनी फाइल को हम ओपन करते हैं। index.html वाली डॉक्यूमेंट को, ये फाइल ओपन हो चुकी है। उसका पहले जो टाइटल हमने कोई भी नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट index.html ही आ रहा है। अब जब हम अपना न्यू टाइटल देंगे यहाँ पे तो हम देखिएगा माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमने टाइटल दिया। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्रोम को दोबारा कंट्रोल प्लस एस से क्रोम को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। हम देखें टाइटल चेंज हो चुका है, जो हमने वहाँ पे टाइटल दिया वो इधर आ गया, माई वेब पेज। जो भी अपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है तो वो अपने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लगा के वहाँ पे नेम लिख देना है उसका। अभी हम नेम चेंज करके देखते हैं हेड टैग के अंदर। यदि माई वेब पेज आ रहा है, अभी यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। इसको रेज किया HTML पेज, इसको सेव करते हैं और हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए टाइटल चेंज हो चुका है, जो हमने नेम वहाँ पे दिया वही नेम यहाँ पे शो करवा रहा है, HTML पेज। नेक्स्ट आगे हम बॉडी टैग यूज़ करेंगे। जितना भी डाटा आपने लिखना है, जो हमने यूज़र को शो करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सब हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। बॉडी टैग के बाहर जो भी आप डाटा लिखेंगे वो मेन आपके पेज के ऊपर शो नहीं होगा, इसलिए जो भी डाटा आपने यूज़र को शो करवाना है वो सारा आपने बॉडी टैग के अंदर लिखना है। बॉडी टैग लगा के उसको क्लोज करना है। उसके अंदर हम चेक करते हैं हेलो वर्ल्ड लिख कर देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं। सेव हो गया। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है इधर, जो हमने उधर लिखा था। अभी हमने किसी भी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा, किसी भी टैग के अंदर
फिलहाल सिंपल हमने हेलो वर्ड वहाँ पे लिखा है, और उधर